स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो केबीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इनमें से किस संख्या के द्वारा आमतौर पर लेन देन को सत्यापित किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पैन कार्ड, ऑप्शन बी है PNR, ऑप्शन सी है CVV नंबर और ऑप्शन डी है आधार नंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CVV नंबर, जो कि डेबिट कार्ड के पीछे लिखी हुई संख्या होती है। इसमें 3 डिजिट होती है, जैसा कि आपको साइड में चित्र में दिखाया गया है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी रक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पानी, यानी कि H2O। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का मोटो यानी आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम को किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण से, ऑप्शन बी वेदादि से, ऑप्शन सी भगवत गीता से, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भगवत गीता से, भारतीय वायुसेना का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य नव स्पर्श दीप्तम को लिया गया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की इनमें से किस प्रतिस्पर्धाओं के स्वर्ण पदक मैच में दोनों प्रतियोगी भारतीय थे? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरुष एकल बैडमिंटन में, ऑप्शन बी है महिला एकल टेबल टेनिस में, ऑप्शन सी है पुरुष एकल टेबल टेनिस में और ऑप्शन डी है महिला एकल बैडमिंटन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिला एकल बैडमिंटन में, दोनों ही महिलाएं भारतीय थी, जैसा कि साइड में दिखाया गया है, एक PV सिंधु और दूसरी है साइना नेहवाल। इसके अंदर जो विजेता रही है वो साइना नेहवाल रही है और जो उप विजेता रही है वो PV सिंधु रही है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है, जो कि कोहिमा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 1857 में दिल्ली के किस स्मारक में ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन बी निजामुद्दीन की दरगाह से, ऑप्शन सी पुराने किले से, ऑप्शन डी तुगलकबाद के किले से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं के मकबरे से, जो कि साइड में आपको पिक्चर दिखाई गई है वो कि हुमायूं के मकबरे की पिक्चर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों द्वारा गेंद रिबन रस्सी छल्ले और क्लब का इस्तेमाल किया जाता है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिमचिक जिम्नास्टिक में, ऑप्शन बी है स्विमिंग में, ऑप्शन सी है रग्बी सेवेंस में, ऑप्शन डी वॉलीबॉल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिमचिक जिम्नास्टिक में गेंद रिबन रस्सी छल्ले और क्लब का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस कढ़ाई को माना जाता है कि महारानी नूरजहां ने प्रसिद्ध किया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांथा, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी गोला पट्टी, ऑप्शन डी फुलवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिकनकारी को। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस एथलेटिक्स को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनु भाकर को, ऑप्शन बी हिमा दास को, ऑप्शन सी मनिका बना को, ऑप्शन डी मीराबाई चानू को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमा दास को, डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पिक्चर साइड में दिखाई गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में आर शब्द का क्या अर्थ है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रमेश, ऑप्शन बी रामजी, ऑप्शन सी रमाकांत, ऑप्शन डी रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन रामजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में जो आर शब्द आता है उसका अर्थ होता है रामजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी टीकाकरण के द्वारा दुनिया भर से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी गलसुआ, ऑप्शन डी चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेचक बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम इसका अगला पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड कर देंगे। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू।